So the next component, which is a part of SVC, is thyristor switched reactor. We also call it TSR. The TSR, it does not employ firing engine control. It does not employ जो हमारा TCR था, TCR में हम फायरिंग एंगल कंट्रोल एम्प्लॉय करते थे. फायरिंग एंगल कंट्रोल का मतलब जो फायरिंग एंगल है, सो हम चेंज करते हैं फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री. सो यू कैन हैव वैल्यूज लाइक 90, 95, 96, 97 अप टू 180. 90 पे आप मैक्सिमम करंट जो आपका ये यहाँ पर रिएक्टर है वो लेगा, और एट 180 डिग्री जो हमारा TCR, it is fully off. So you can vary between 90 and 180. जो TSR है, इसमें हम firing angle control employ नहीं करते हैं. जो TSR होता है, it is either in full conduction or no conduction. So your TSR, it is either in full conduction or no conduction. इसका मतलब क्या है? It is either in full conduction or no conduction. जैसे हमारा आपने देखा था जो हमारा TCR था, TCR में क्या हो रहा था कि जब अल्फा हमारा 90 डिग्री होता था, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब कर सकता है. और एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री जो हमारा टीसीआर है, इट इज ऑफ. तो जो टीसीआर सिर्फ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पे काम करेगा, वही है हमारा टीएसआर. सो जो टीएसआर होता है, इसे हम सिर्फ ऑपरेट करते हैं एट 90 डिग्री. बस उस टाइम पे फायरिंग पल्स इशू होती है एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, या फिर इसको हम ऑफ कर देते हैं. ऑफ कैसे करना है? एट अल्फा 180 डिग्री कर दो, एट दैट टाइम इट इज इन नो कंडक्शन, या फिर फायरिंग पल्स इशू ही नहीं करो इसे. सो इन फुली ऑन स्टेट So what should be the firing angle? So your alpha should be 90 degree for thyristor 1 and 270 degree for T2. So T1 should be fired here and T2 it should be fired here at alpha equal to 270 degree. Here T2 should be fired. So T1 and T2, they are fired at peaks of supply voltage. So your T1 and T2 are fired at peaks of supply voltage. And in fully off state, alpha should be 180 degree or don't issue any firing pulse.
सो योर टी एस आर इट इज आइदर इन फुल कंडक्शन और नो कंडक्शन. जो पे टी एस आर इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एस वी सी. अब इसमें आपको एक बात यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो टी एस आर होता है ये जो या फिर हमने जिससे पहले पढ़ा था टी सी आर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर. कंट्रोल्ड रिएक्टर में क्या होता है, हम फायरिंग एंगल कंट्रोल एम्प्लॉय करते हैं. हम फायरिंग एंगल को 90 से लेकर 180 डिग्री में के बीच में वेरी कर सकते हैं. इसमें हमारा फायरिंग एंगल वेरी नहीं होता है टी एस आर में. वी डू नॉट वेरी फायरिंग एंगल. द फायरिंग एंगल इज आइदर 90 डिग्री वेयर इट इज इन फुल कंडक्शन और द फायरिंग एंगल इज 180 डिग्री एट दैट टाइम देयर इज नो कंडक्शन एट ऑल. ये जो आपका टी एस आर है इट डज नॉट टेक एनी करंट. जो हमारा टी सी आर है थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर जो हमने इससे पहले पढ़ा था, हम उसे कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं कराते हैं. जो हमारा टी सी आर है इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन पैरेलल विद टी सी टी एस आर. तो आपके पास एक टी सी आर होगा और उसके साथ में टी एस आर भी होगा. सो मैंने आपसे एक बात बोली कि टी सी आर जो है इट इज नेवर ऑपरेटेड अलोन. इट इज ऑपरेटेड इन पैरेलल विद टी एस आर. तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे एक टी सी आर होगा उसके साथ पैरेलल में बहुत सारे टी एस आर काम करेंगे. सो दीज विल बी योर टी एस आर्स. ऐसी स्कीम जिसमें हमारे पास एक ऐसा टी सी आर होता है और बहुत सारे टी एस आर होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंटेड टी सी आर. उसके बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ करंट ले रहा है IT1, ये करंट ले रहा है IT2, ये वाला टी एस आर इट टेक्स IT3, दिस वन टेक्स
84 and the total current drawn by the segmented TCR, this is IT, where your IT is equal to IT1 plus IT2 plus IT3 IT4 and आप जितने TSR लगाओगे according to the demand आप उतने TSR लगा सकते हो. तो समझिए अगर हमारे पास जो excess reactive power है जो हमारी line पे flow कर रहा है if that is Q, so let reactive power to be absorbed, let it be Q. तो अगर हमें Q reactive power absorb करना है, so if Q is greater than 50%, तो हम क्या करेंगे? We will use TCR plus TSR. So for example आप समझो अभी हमारे पास सिर्फ एक TCR है और एक TSR है, इनको अभी भूल जाओ, ये समझो ये हमारे सर्किट में समझो नहीं है. So अगर हमारा Q reactive power हमें absorb करना है and if it is greater than 50%, तो आप क्या देखोगे, ये Q by 2 rating का होगा, ये भी Q by 2 rating का होगा. आप क्या करोगे, अगर आपका 75% आपको रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है, तो आप TSR को भी यूज करोगे और TCR को भी यूज करोगे. इसको जैसे ही आप ऑन करोगे, क्योंकि ये फुल कंडक्शन में काम करता है, क्योंकि एंड इट्स रेटिंग इज Q by 2, तो 50% ये रिएक्टिव पावर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. अब बच्चा बाकी का 25%. सो बाय यूजिंग फायरिंग एंगल कंट्रोल, ये वाला जो आपका TCR है ये रिमेनिंग 25% एब्जॉर्ब करेगा. और इफ योर द रिएक्टिव पावर टू बी एब्जॉर्ब्ड इट इज लेस देन 50%, तो एट दैट टाइम ओनली TCR विल ऑपरेट. सो TCR विल हैंडल ऑल reactive power. So if reactive power to be absorbed is Q, if the reactive power to be absorbed it is greater than 50%, देखो अगर आपको reactive power जो absorb करना है that is Q, तो आप क्या करते हो TCR Q by 2 rating का लेते हो और ये जो TSRs हैं ये भी Q by 2 rating के लेते हो. और अगर reactive power to be absorbed is greater than 50%, तो TCR और TSR दोनों काम करेंगे. And if reactive power is less than 50%, Q by 2 से कम आपको रिएक्टिव पावर हैंडल करना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो TCR है थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर, इट विल हैंडल ऑल रिएक्टिव पावर. सो व्हेनेवर वी ऑपरेट द TSR एंड TCR इन पैरेलल, जब भी हम इन दो को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, तो क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एडवांटेज है हमारी losses are reduced. तो अगर आपका जो आपका TCR होता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम स्विचिंग करते रहना होता है, क्योंकि आपका कंटिन्यूसली ये चेंज हो रहा होता है योर फायरिंग एंगल, हम इसको अकॉर्डिंग टू द डिमांड फायरिंग एंगल को चेंज करते हैं, तो स्विचिंग हम बार बार कर रहे होते हैं, तो इन जो आपके वेल्व्स होते हैं इनमें क्या होता है, स्विचिंग पावर लॉस. जो हमारा TSR है, एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद आप बार बार फायरिंग पल्सेस इशू नहीं करते हो, तो क्योंकि बहुत कम स्विचिंग इन्वॉल्व है, तो क्या होते हैं इनमें जो लॉसेज हैं एज कम्पेयर टू TCR दे विल बी लेस, सो लॉसेज आर रिड्यूस्ड. एंड सेकेंड, क्योंकि आपका TSR जो है इट works at alpha equal to 90 degree. तो alpha equal to 90 degree में हमने देखा था कि जो हमारी current थी it was purely
साइनोसाइडल, हार्मोनिक कंटेंट जो है इट विल बी रिड्यूस्ड. सो हार्मोनिक कंटेंट ऑफ द करंट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. सो लॉसेज आर रिड्यूस्ड और हार्मोनिक कंटेंट जो होता है इट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. किसकी एडवांटेज है? When your TCR and TSR are in parallel. So this was about the second component of your SVC. We have a TCR, we have a TSR. इसके अलावा एक और important component है हमारे SVC का, and that is the thyristor. Switched capacitor. Thyristor. Switched capacitor. We also call it as TSC. So this is the schematic diagram of your TSC. जो टी एस सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस वी सी. जो टी सी आर था वो क्या करता था? इट एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर. लेकिन जो आपका ये टी एस सी है इट इंजेक्ट्स रिएक्टिव पावर इन टू द सिस्टम. तो अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ टी एस आर होता तो क्या होता है? ये सिर्फ रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है. बट क्योंकि हमने अब हमारे एस वी सी में एक टी एस सी भी रखा है तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा एस वी सी है इट कैन absorb reactive power and it can also inject reactive power into the system. So jo hamara TSC hai ye kya karta hai? It injects reactive power into the system. Jo hamara TSR hai aur TSC hai they both work in coordination with each other. Isme kya hota hai? Hamare TSC mein ek anti parallel pair of thyristors lage hote hain followed by a capacitor. जो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर्स है दैट इज वी टी एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी सी और जो करंट ड्रॉन है दैट इज आई. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमारा ये चलता है, जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है हमारे टीएससी का That is the switching part of TSC. कि हम अपने जो हमारा TSC है इसको हम switch कैसे करें. So the most critical part जो है आपके इस TSC में वो क्या है? इसको कैसे switch on करें. तो अगर suppose करो कि जो आपका capacitor है यहां पे लगा हुआ, ये प्रीवियसली जब लास्ट ऑपरेशन हुआ था तो ये इनिशियली चार्ज था अप टू सम वोल्टेज वीसी. कोई भी इंटरमीडिएट वोल्टेज ले लो तो इट वाज चार्ज्ड अप टू दैट वोल्टेज वीसी. तो जब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे किस वोल्टेज पे हमें इन थायरिस्टर वेल्व्स को फायर करना है? सो इफ दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज वी, या हमारी सोर्स वोल्टेज है वी, जो हमारा कैपेसिटर है वो सपोज इट वाज चार्ज्ड अप टू दिस लेवल, द कैपेसिटर इट वाज चार्ज्ड अप टू दिस लेवल. सो दिस वाज योर वीसी. जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आवर सप्लाई वोल्टेज दैट इज वो यहां पर है, ठीक है. इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं पॉइंट ए. So V अभी इस A वाले पॉइंट पे और VC जो है वो इसका वैल्यू इतना है. तो अगर इस स्टेज पे हम अब हमारे TSC जो हमारा थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर है अगर इस टाइम पे हम फायरिंग पल्सेस इशू करेंगे तो क्या होगा? तो देखो यहां पर क्या हो रहा है.
स्टेज पे योर वी इज ग्रेटर देन वी सी. यू कैन क्लियरली सी दैट जो हमारा वी है दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन वी सी. जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है हमारी सोर्स वोल्टेज का, इट इज मच हायर देन द कैपेसिटर वोल्टेज. इस केस में क्या होगा, अ लार्ज वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर. जो आपका कैपेसिटर है ये एक बहुत ही, ये मोमेंटेरली बहुत ही एक ह्यूज करंट ड्रॉ करेगा. क्यों? क्योंकि ये चाहता है, ये इनफाइनाइटली शॉर्ट टाइम में क्या करना चाहता है, जो हमारा कैपेसिटर है उसको इस सप्लाई वोल्टेज वाले वैल्यू तक चार्ज कराना चाहता है. वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस वीसी को इस लेवल पे ले जाना, ये तभी पॉसिबल जब आप एक इनफाइनाइट करंट ड्रॉ करोगे. सो ये क्या होगा इस टाइम पे, इफ योर वी इज ग्रेटर देन वीसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इस टाइम पे क्या होगा, ए करंट ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड फ्लोस एंड इट चार्जेस द कैपेसिटर टू द सप्लाई वोल्टेज इन एन इनफाइनाइटली शॉर्ट टाइम. तो जो ये इनफाइनाइटली लार्ज करंट है जब ये फ्लो करेगी, सो व्हाट विल हैपन, ये इट विल स्ट्रेस आउट दीज थायरिस्टर वेल्स और आप देखोगे कि ये थायरिस्टर वेल्स जो है दे विल बी डैमेज्ड. ये जो मोमेंटेरली आपकी ये लार्ज करंट फ्लो होती है ये आपके इन थायरिस्टर्स को स्विच क्या कहते हैं स्ट्रेस कर देंगी और थायरिस्टर वेल्स हमारे या तो जल ही जाएंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे. तो क्या देखते हो यहाँ पे मोमेंटेरली एक बहुत ही ह्यूज वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो. मोमेंटेरली क्या होता है, ये जो करंट है आपकी इट विल हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू. सो दूसरा आपके पास क्या तरीका है, अब आप ये कर सकते हो, हम दूसरा पार्ट देखेंगे जहां पर जो हमारी वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी सी, उस टाइम पे देखेंगे क्या होता है. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग कि यहां पर क्या है, V इज इक्वल टू वी सी. जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू वी सी. जितना कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी वोल्टेज है, जैसे ही आपका सप्लाई वोल्टेज इस वोल्टेज के पास पहुंचती है, इसी टाइम पे क्या कर लो, फायरिंग पल्सेस इश्यू कर लो. इसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर एक फाइनाइट करंट ड्रॉ करेगा. जो व्हेन योर वी वाज मच ग्रेटर देन वी सी, उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो आपका कैपेसिटर था इट वाज ड्राइंग और आइडियली एन इनफाइनाइट करंट. और इस इनफाइनाइट करंट की वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे थायरिस्टर वेल्व थे दे वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. तो हमारे पास अब दूसरा केस है कि जिसमें हम हमारे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, हम अपने थायरिस्टर्स को उस टाइम पे स्विच ऑन करेंगे जब हमारा सप्लाई वोल्टेज और ये जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है दे विल बी इक्वल. तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर है इट विल ड्रॉ फाइनाइट करंट. सो इट विल ड्रॉ ए फाइनाइट करंट. सो लेट मी ड्रॉ दिस विद डिफरेंट कलर. इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है इट इज ड्रॉइंग ए करंट बट ए फाइनाइट करंट. करंट का वैल्यू इतना हाई नहीं जा रहा है. देखो जब हमारा V विल बी इक्वल टू VC, इस टाइम पे क्या होगा, अगर हम टोटल वोल्टेज देखेंगे V दैट इज इक्वल टू VC प्लस VT. सो एट दिस टाइम V इज इक्वल टू VC प्लस VT.
सो वी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी टी. अब क्योंकि आपका वी इज इक्वल टू वी सी, जब आप थायरिस्टर्स को स्विच करोगे, वेन योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो आपके थायरिस्टर्स हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? जीरो. बट इस केस में भी जो हमारे थायरिस्टर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं. ऐसा क्यों होगा? अगर आप ये इंस्टेंट देखोगे, ये इंस्टेंट का नाम मैं ले रहा हूं ए, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो करंट है इट इज राइजिंग फ्रॉम योर जीरो टू सम इट्स मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू. तो यहां पर क्या हो रहा है, जो डीआई बाई डी टी रेटिंग अगर आप देखोगे, द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट इट इज इनफाइनाइट. देखो बहुत ही छोटे टाइम में क्या हो रहा है, करंट जा रही है फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू. तो जब इतने छोटे पीरियड में अचानक से क्या होगा, आपकी करंट जीरो है और ऑल ऑफ अ सडन इट इज गोइंग टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. सो यहां पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट क्या है, इट विल बी इनफाइनाइट. सो दिस विल लीड टू द फेलियर ऑफ स्विचेस. और जब आपकी डीआई बाई डी टी रेटिंग जो होती है, जो आपका ये रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है, व्हेन दिस इज इनफाइनाइट, इसकी वजह से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लोकल हॉटस्पॉट्स विच डैमेज द थायरिस्टर वेल्स. सो अगर हम अब V इक्वल टू VC पे भी फायरिंग पल्सेस इशू करेंगे, क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में करंट फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है. तो द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट इज लार्ज, इट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट. इसकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारे थायरिस्टर वेल्स होते हैं इस पे क्या होते हैं, लोकल हॉटस्पॉट्स आर प्रोड्यूस्ड. और ये हॉटस्पॉट्स क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारे थायरिस्टर वेल्स हैं दे गेट डैमेज्ड. तो हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस, ये जो रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है दैट इज इनफाइनाइट, हम इसे कैसे लिमिट कर सकते हैं? सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं कि जब भी आपकी करंट ऐसे शार्पली राइज करती है तो थायरिस्टर वेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डैम्पिंग रिएक्टर लगाते हैं इन सीरीज विद दिस कैपेसिटर. तो ये जो हमारा सर्किट है इसमें एक छोटा सा हम यहां पर एक रिएक्टर लगा देंगे. इसकी वजह से क्या होगा, ये जो करंट हमारी शार्पली राइज कर रही है, अब जो आपका इंडक्टर है इट विल नॉट अलाउ दिस. सो लेट मी ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ योर टीएससी, बट जिसमें एक इंडक्टर भी लगा होगा. सो दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए टीएससी, बट जिसमें हमने एक स्मॉल डैम्पिंग रिएक्टर लगा दिया है. ये जो रिएक्टर है ये इस करंट को जो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम है इसमें जीरो से इस मैक्सिमम वैल्यू तक जाने नहीं देगा, एंड देयर बाय इट विल प्रोटेक्ट दीज थायरिस्टर वेल्स टू प्रिवेंट द शार्प राइज ऑफ करंट small damping reactor is put in series with the capacitor. क्या करता है, दिस लिमिट्स द रेट ऑफ
rise of current. So ये जो आपने यहां पर ये रिएक्टर लगाया है, इसका काम है टू प्रोटेक्ट योर थायरिस्टर वेल्स. तो अगर आप ये फिगर देखोगे, यहां पर कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है, यहां पर देखो करंट इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव करंट इसको कौन अलाउ करेगा, टी वन. सो इसका मतलब हमने क्या किया, यहां पर जो फायरिंग पल्स जो हमने इशू की है, यहां पर आप T1 को फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो. यहां पर अगर आप देख रहे हो नेगेटिव करंट कौन अलाउ करता है, तो यहां पर आप T2 को फायरिंग पल्स इशू करते हो. यहां फिर से T1 को फायरिंग पल्स आप इशू करते हो. तो अगर आप देखोगे जो आपका TSC है, फायरिंग पल्सेस आर इशूड एट जीरो क्रॉसिंग्स. देखो यहां पर जब ये नेगेटिव वाली जीरो क्रॉसिंग आ रही है, T2 इज फायर्ड, और जब ये पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग आ रही है इस पॉइंट पे T1 इज फायर्ड. और यहां पर क्या आप देख रहे हो कि जो करंट है, ये अभी मैं आपको इस वाले सर्किट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो आपकी करंट है दैट इज लीडिंग द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्योंकि आपका कैपेसिटर लगा हुआ है. तो ये जो आपकी करंट होगी, इट लीड्स द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो ये आपका फायरिंग पैटर्न है. अब जीरो क्रॉसिंग्स पे थायरिस्टर्स को फायर करते हो. ये जो वैल्यू है आपके सिलेक्टर का, ये कोई बड़ा वैल्यू नहीं होता है, दिस इज वेरी स्मॉल, जस्ट टू स्टॉप द करंट फ्रॉम राइजिंग शार्पली. तो ये जो है आपका यहाँ पर जो रिएक्टर लगा है, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होगा इन कंपैरिजन टू दिस कैपेसिटर. तो अब हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है कि जब अब हमारे सर्किट में कि ये आपने रिएक्टर भी लगा दिया, तो कैसे हमारा फिर ये TSC हमें कैसे ये ऑपरेट करना है. देखो जब आपने इसमें एक रिएक्टर लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो आपकी करंट है वो इतना शार्पली राइज नहीं करेगी. सो दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज जो हमारी करंट है. अब वो क्या करेगी, वो आपको अचानक से वो जो आपका ये इंडक्टर है या आपका रिएक्टर है, ये करंट को एब्रप्टली इस तरह राइज होने नहीं देगा, क्योंकि जो इंडक्टर है इट डज नॉट अलाउ द करंट टू चेंज, है ना. तो आप क्या देखोगे, अब करंट आराम से ऐसे राइज होगी. So this is the current. और ये आपकी वोल्टेज V. जबकि ये वोल्टेज का कर्व है एंड दिस इज योर करंट. जब आपका ये रिएक्टर लगा हुआ है, ये जो करंट है ये इसको राइज करने नहीं देगा. तो ऐसे आपका TSC वर्क कर रहा है. सो इस पॉइंट पे आप समझो कि मैंने जो हमारा TSC है उसको ऑफ कर दिया.
अगर इस पॉइंट पे मैं टीएससी को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो जो आपका कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इट विल बी चार्ज्ड अप टू जो मैक्सिमम वोल्टेज है, सो योर कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड अप टू वीसी। सो इफ एट पॉइंट बी इफ टीएससी इज टर्नड ऑफ, जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, इट विल रिटेन द चार्ज एंड इट विल बी चार्ज्ड अप टू योर वीसी। सो अगर मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ अपने टीएससी को, क्या होगा, आप देखोगे कि जो आपका कैपेसिटर है इट विल बी चार्ज्ड अप टू वोल्टेज वीसी। सो अब हमें यही एनालिसिस करना है विद द इंक्लूजन ऑफ, जो आपने रिएक्टर लगा दिया, अब आपका टीएससी कैसे काम करेगा। सो लेट द वोल्टेज बी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इस टाइम पे जो आपको ये करंट मिलेगी, दिस करंट विल बी इक्वल टू, आई एम नॉट deriving this, so जो आपकी current होगी this will be equal to v n square upon n square minus 1 omega c cos of omega t। तो ये जो आपकी current है इसका ये value आ रहा है, ये v n square n minus 1 क्या है, ये यही है peak of the voltage। अपने capacitor को जब अपने इस तरफ का capacitor चल रहा था, इस पॉइंट पे आपने अपने टीएससी को ऑफ कर दिया, तो जब का ये कैपेसिटर इट इज चार्ज टू द पीक, और वो पीक कितनी है, द पीक इज इक्वल टू वी एन स्क्वायर माइनस वन। सो ये क्या है आपका पीक ऑफ सप्लाई वोल्टेज, वी एन स्क्वायर माइनस वन, इट इज द पीक ऑफ सोर्स वोल्टेज। एंड योर एन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एलसी। सो यू कैन राइट दिस एज सो दिस इज XC upon XL। तो देखो जब आपको अपने इस TSC को ऑफ करना होगा, तो आप TSC को ऑफ कैसे करोगे, ऑब्वियसली आप TSC को ऑफ करोगे एट द जीरो क्रॉसिंग्स, और तो कोई तरीका है नहीं इसको ऑफ करने का। देखो इस वाली इधर पे अगर आप ऑफ करना चाहोगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको फोर्स्ड कम्यूटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेचुरल कम्यूटेशन चाहते हैं तो नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होगा, यू हैव टू टर्न ऑफ योर थायरिस्टर्स एट दीज जीरो क्रॉसिंग्स। तो जब आपका ये जीरो क्रॉसिंग आएगी, आप फायरिंग पल्स इशू ही नहीं करो, तो आपका थायरिस्टर क्या होगा, जो आपका टीएससी इट विल बी टर्न्ड ऑफ। फोर्स कम्यूटेशन में क्या होता था, करंट आपकी देखो जब आपका ये आपका एक थायरिस्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो जब इसके इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है उस टाइम पे हम थायरिस्टर को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी ऐसे टाइम पे आप थायरिस्टर को ऑफ करना चाहोगे तो फिर आपको क्या करने पड़ता है, आपको फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट्स का यूज करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, इस करंट को कम कर देते हैं बिलो द होल्डिंग लेवल, और आपका जो ये थायरिस्टर है इट इज टर्न्ड ऑफ। लेकिन नेचुरल कम्यूटेशन में क्या है, देखो आपका क्योंकि करंट जा रही है जीरो, तो जैसे आपकी करंट जीरो जा रही है, डोंट इश्यू एनी फायरिंग पल्स, जो आपका ये है थायरिस्टर है इट विल बी टर्न्ड ऑफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें टीएससी को टर्न ऑफ करना है तो हम जीरो क्रॉसिंग्स पे टीएससी को क्या कर सकते हैं, वी कैन टर्न इट ऑफ। और देखो जब जीरो क्रॉसिंग पे क्या हो रहा है, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है इट इज एट पीक, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारा कैपेसिटर है इट विल बी चार्ज टू द पीक ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। सो दिस इज इक्वल टू वी एन स्क्वायर एन माइनस वन। अगर आप कहीं और, आप कहीं और पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको एडिशनल फोर्स कम्यूटेशन सर्किट्स लगाने पड़ेंगे। अब क्योंकि हमारा, अब देखिए अब एक ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन में आपने टीएससी को टर्न ऑफ कर दिया। टीएससी को आपने कहां टर्न ऑफ किया, एट द जीरो क्रॉसिंग। जब आपने जीरो क्रॉसिंग पे टर्न ऑफ किया, अब कितना है इसमें जो आपका कैपेसिटर है उसमें,
उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वीसी। वीसी किसके बराबर, ये जो आपका वोल्टेज है ये किसके, जो आपका मैक्सिमम है, जो पीक है ऑफ सोर्स वोल्टेज, उस लेवल पे हमारा कैपेसिटर की वोल्टेज आ चुकी। तो अब कुछ टाइम के बाद आप क्या करना चाहते हो, आप अपने टीएससी को फिर से ऑन करना चाहते हो। सो व्हाट शुड बी द वोल्टेज, योर वोल्टेज शुड बी, वी शुड बी इक्वल टू वीसी। सो दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, और जो हमारा कैपेसिटर है इट हैज बीन चार्ज टू द पीक ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि जब हमने फायरिंग पल्स आपने इशू करनी बंद कर दी, आपने टीएससी को टर्न ऑफ कर दिया, तो जो आपने टीएससी को टर्न ऑफ कर दिया उस टाइम पे जो हमारा कैपेसिटर था इट वॉज चार्ज टू द फुल वोल्टेज, तो आपका जो वोल्टेज थी दैट वॉज वी सी, दैट इज द पीक ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो जब हमें टर्न ऑन करना होगा टीएससी को, हम कहाँ पर टर्न ऑन करेंगे, व्हेन आवर वी विल बी इक्वल टू वीसी, इस वाले पॉइंट पे आप अपने टीएससी को ऑन करोगे, वी इक्वल टू वीसी। सो ट्रिगर इट हियर, तो जब इसको इधर ट्रिगर करोगे, अगर आपको ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग चाहिए तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जब आप यहां पर स्विच करोगे ऐसे हमारी करंट बढ़ेगी, विल रीच अ मैक्सिमम हियर, जीरो हेयर, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, दिस विल बी आर करंट। सो इफ यू वॉन्ट ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग, फॉर ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग, फॉर ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग टर्न द टीएससी ऑन एट वी इक्वल टू वी सी। सो जब हम वी इक्वल टू वी सी पे स्विच करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, इनफाइनाइट सी करंट ये नहीं लेगा कि दोनों वोल्टेजेस सेम है, वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर वैल्यूज इज जीरो, और हमारे सर्किट में एक रिएक्टर भी लगा है जो करंट को अचानक से बढ़ने नहीं देता, सो करंट विल स्लोली राइज रीच ए मैक्सिमम। देखो ये मैक्सिमम कब रीच कर रहा है, जब आपकी वोल्टेज यहाँ पर जीरो, उसी तरह फिर ये चेंज होता जाएगा। इसका दूसरा केस भी आप ले सकते हो, हो सकता है कि जब आपने अपने थायरिस्टर को टर्न ऑफ किया है उस टाइम पे जो वोल्टेज है दैट वाज नेगेटिव, तो हम वो वाला केस भी देखेंगे। दूसरी केस में मैं क्या ले रहा हूँ कि जब हमने अपने टीएससी को ऑफ किया उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारा कैपेसिटर था इट वाज चार्ज्ड बट टू द नेगेटिव पीक, तो अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे अपने थायरिस्टर्स को फायर कर दो। तो जब आप यहां पर अपने थायरिस्टर्स को फायर करोगे हमें ये ऐसी करंट मिलेगी, तो मैं दोनों केस यहां पे दिखा रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, वी विल गेट ए ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग, जो कि करंट से अचानक से राइज नहीं करेंगी और आपके थायरिस्टर वेल्व्स जो हैं they will not be damaged. So, आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, जो इसके बाकी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।